ये बतावा कहे कुल देवता पूरी हलवा सब खाए लंसन आखिर में कौन करल बा कि आपके गांजा भांग धतूरा सिर्फ चढ़ेला भक्त ने भगवान से सवाल कर दिया क्या भक्त ये कहे सुना सुना ये दौरा के सैया जब इतनी बात मई गौरा भोलेनाथ से कही भोलेनाथ बड़े तुझे में कहे नहीं डाली हम का वे थोड़ा सा बांग वे धतूरा वे गांजा मिल जाए तो बड़ा आनंद हमारे मन एकदम खुश हो जाए जब इतनी बात मई गौरा सुनी मरे गुस्सा में एकदम जाके हम नहीं से पुरान हो गई बउरावा हमें कौनो प्रकार का सुख ही नहीं दे जब देखा हुई फिल्म पे भांग गांजा धतूरा काम चाहिए जब माई गौरा इतनी बात कही ने बाबू जब माई गौरा इतनी बात कही भोले ना तुम्हें हथवा जोड़ के कहे नहीं रानी कहे गुस्सा हो तुम हमारे बात सुना भोलेनाथ कहते क्या है ना सुना पाए पायूरी आई अब
गोकुल से मथुरा चले गए। गोपियां श्री सावन के महीने में झूला झूल रही हैं और एक बात कहती हैं, क्या जो यहाँ पर आज लगा हुआ है भैया जी की तरफ से 51 रुपए का 5 पुरस्कार माली कराए की आपके कारोबार ऐसे चलत रहा है, जहाँ जहाँ आपका ये टेंट हाउस लहराता रहा है। सबको 100 रुपए नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। गीत में गौर करेंगे बाबू, लेकिन यही भाव में बड़ी ही सुंदर लाइन लिखे हमारे कवि जी परम आदरणीय सम्मानित श्री राम गुलाब मौर्य जी। धर्मेंद्र जी लखनीपुर की पावन सरजमी से 51 रुपए का 5 पुरस्कार कोट कोट नमन है, आशीर्वाद की कामना है। इस दुनिया में इस मृत लोक की पृथ्वी पर तमाम अत्याचार होने लगे, पाप बढ़ता गया, चारों ओर अंधकार छाता गया, पाप हमेशा बढ़ता चला गया। तब 16 कला अवतारी आनंद कंद मुरली मनोहर का जन्म होता है। बाबू बढ़े अशुरे अभिमानी देवता ने जन्म की छाई, जब बढ़े अशुरे अभिमानी देवता ने जन्म की छाई,
चावे सत की रही है। चाहे सतयुग हो चाहे त्रेता हो चाहे द्वापर हो चाहे कलयुग हो, हर युग में जब जब इस धरती पे पाप बढ़ता है बाबू, तब तब एक बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण होता है, उस शक्ति का अवतार होता है, जन्म होता है। लेकिन आइए शुरू करते हैं कहानी सतयुग से, भय का सतयुग में। हरिश्चंद्र दानी किए दान सगर रजताई, एक एक लाइन पे गौर करेंगे बाबू। सतयुग में हरिश्चंद्र दानी दिए दान सगर रजधानी, इंद्रदेव का सिंहासन डोरीगा। इंद्रदेव समझ गए कि कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली है, कोई ये मेरा सिंहासन मुझसे छीनने वाला है। इंद्रदेव जब विश्वामित्र जी से आप परमाद्री सम्मानित जौतुआ मोहन के पुरा के पावन सरजमी से भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पावन पुरस्कार को नमन है, आशीर्वाद की कामना है। विश्वामित्र से सारी बात बताए, विश्वामित्र जी पूरी कहानी कहे, महाराज प्रभु पृथ्वी लोक में मित्र लोक में एक राजा हरिश्चंद्र है जिसने 99 यज्ञ पूरा कर डाला है। 1099 यज्ञ पूरा कर डाला है और 1 यज्ञ बाकी है, अगर वो यज्ञ पूरा हो जाए तो आपका सिंहासन उस हरिश्चंद्र को मिल जाएगा। जब इतनी बात कहे बाबू तब वही विश्वामित्र को भेज दिए इंद्र जी ने। इंद्र जी भेजे, विश्वामित्र जी आए और राजा हरिश्चंद्र से आप परमाद्री सम्मानित श्री जंग बहादुर यादव जी के पिताजी की तरफ से दुकानदार भगोला की पावन सरजमी से 101 रुपए का पावन पुरस्कार कोट-कोट नमन है, आशीर्वाद की कामना है। विश्वामित्र जी मित्र लोगों की धरती पर आए और हरिश्चंद्र से उनके राजपाठ सब दान में मांग लिए बाबू। जब दान में मांग लिया हरिश्चंद्र अपन पूरा राज महल के बढ़िया ताला चाबी विश्वामित्र जी को दे दिए। तब भी जब दान पूरा नहीं हुआ, मुद्राएं बाकी रह गई, तब महाराज हरिश्चंद्र कहे, प्रभु ऋषवर आप मेरे महल खजाने से जो चाहिए, आपको जितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए ले लीजिए। जब इतनी बात हरिश्चंद्र कहे प्रभु, विश्वामित्र अपन तलिया ठोंक के हंसने लगे, ताली ठोंक के हंस दिया, कहे राजन कैसी बात करते हो, तुमने तो सारा राजपाठ महल गई चाबी ताला जब हमारी कई दे हम, तो आखिर काल में ये सब मुद्राएं आपकी कहाँ हुई। जब इतनी बात विश्वामित्र जी बोले है बाबू, वही राजा हरिश्चंद्र अपनी धर्म पत्नी तारा और अपने पुत्र रोहित के साथ काशी के नगरी में जाते हैं। और पहले के जमाना रहा है बाबू, इंसानों बिकात रहा, लोग खरीद करके उनसे अपना काम करवाया करते थे, गुलामी करवाया करते थे। वही काशी की राजधानी में एक डोंग ने आप परमाद्री सम्मानित मुन्नीलाल मिस्त्री जी ग्राम पूरे रुद्र शाहपुर की पावन सरजमी से 51 रुपए का पावन पुरस्कार कोट कोट नमन है, आशीर्वाद की कामना है। जब डोम एक डोम आया और बढ़िया एकदम हष्ट पुष्ट शरीर देखे बाबू, उसने अपने मन में विचार किया कि मैं जो कार्य करता हूँ, मेरा कार्य लाश जलाने का है, शमशान घाट पर रहने का है, वो कार्य करने के लायक ये दिख रहा है। और बढ़िया रजवाड़ी घरे के राजा खुद ही शरीर कैसन रहे बाबू,
श्री चंद्र की धर्म पत्नी तारा को, महारानी तारा को और उनके पुत्र रोहित को खरीद लिया। महारानी तारा घर का कार्य भाल देखती थी है बाबू, और उनका पुत्र बगीचे में जा करके पुष्प तोड़ के लाता था, पंडित जी ब्राह्मण जी पूजा किया। एक दिन जब हरिचंद का बेटा रोहित पुष्प तोड़ने गया तब एक घटना हो गई, सांप ने रोहित को डस लिया। आखिर में दवा दुआ ना होने के कारण रोहित की मृत्यु हो गई और सारी लीला उसी मुरली मनोहर उसी भगवान की है। कहा जाता है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है। ए बाबू गौर करेंगे, परीक्षा पे परीक्षा भगवान ले रहे हैं, लेकिन हरिश्चंद्र करते क्या है, जब अपने मरे पुत्र को लेके तारा जब घाट पर गई, तब जब हरिश्चंद्र से अपने बेटे को दफनाने के लिए कहती है बाबू, तब वही हरिश्चंद्र कर मांग लेते हैं। तब वही रानी तारा होती जो के कहती है कि पिया क्या आप मुझे पहचानते नहीं, मैं आपकी पत्नी तारा हूँ पिया। तब भी हरिश्चंद्र कहते हैं कि हाँ मेरी कोई पत्नी नहीं कोई बेटा नहीं, मैं अपने धर्म से हट नहीं सकता हूँ, मैं अपने सत्य पे हमेशा अडिग रहूंगा, अपने सत्य से कभी नहीं हटूंगा। मैं क्या हूँ सुनो, कहती कहते हैं क्या यादव जी मोहन के पुरा की पावन सर जमीन से 91 रुपए का पावन पुरस्कार, कोट कोट नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है, लेकिन कहना है क्या। सतयुग में हरीश चंद्र दानी दिए दान सगर राजधानी, समय हूँ क्या मुर्दा घाटे कई रखवार, मुर्दा घाटे कई रखवार दिखावे कहानी आप लोग को बताबा, पूरी पूरी कहानी बताई जाएगी तो सारी रतिया बीत जाएगी, रात बाकी है बात बाकी है, लेकिन अगले अंतरा में एक बड़ी सुंदर बात लिखी गई क्या। राम जी आए रघुकुल की रीत निभाए, करेंगे बाबू जी, प्रेता में राम जी आए रघुकुल की रीत निभाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाई पर वचन न जाई। उन्होंने अपने मर्यादा में रहकर जो कि स्वयं अवतारी थे, स्वयं भगवान थे, अपने पिता का कहना मानकर, अपनी माता का कहना मानकर वनवास चले गए। 14 वर्ष वनवास में रहे बाबू।